कैसे आप सब और आगे एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में ये पिछली वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो आज हम लोग करेंगे, आज हमारे को ज़रूरत पड़ेगी PSCC 2019 की। तो और जो हमने कल रेंडर निकाला था नॉर्मल सा, तो अभी हमारे को क्या करना है, हमारे को PSCC 2019 खोलना है। और उसके बाद हमारे को इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और फिर इसकी ये विड्थ रखनी है 120x120x120x80। तो हमने लिख लिया, फिर ओके करेंगे तो आपका ये ऐसा स्क्वायर आएगा। आप या तो रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। तो अभी हमारे को इस पर क्लिक करना है, लेयर्स वाले पे, फिर प्लस, फिर फोटो लेयर, फिर फोटो लाइब्रेरी, और उसके बाद हमारे को जाना है इरेजर पे। ये रहा इरेजर, और अब हमारे को अपनी वो ले लेनी है, और फिर अब हमारे को इसको बड़ा करना है। आपको पता ही होगा कि अभी ये ज़्यादा अच्छा तो लग नहीं रहा है, अभी नॉर्मल सा रेंडर लग रहा है। तो अभी जो आप देखते हैं 3D होता है, वो करने के लिए आपको इधर क्लिक करना है, इसको दबा के रखना है, उसके बाद ऊपर जाके आपका ऐसा होगा स्क्वायर, यहाँ पे जाना है, उसके बाद स्क्वायर पे दोबारा, और फिर जाना है पॉलीकॉन सिलेक्शन टूल, और फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर शो पॉइंटर करना है। तो अब हम जाएंगे हेयर्स पे। तो आज हम लोग करेंगे हेयर एक्सट्रूजन। तो सबसे पहले हमारे को जो भी आपके स्किन्स के राइट वाले बटन को दबा देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी ये ज़्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी बस सिंपल से। तो अब हम ऐसे ज़्यादा करना है, अब हमारे को FX पे जाना है। तो बढ़ा दी, उसके बाद कर लेते हैं ऐसे, और फिर दूसरे पिक्सल वाली जगह पे हमारे को ऐसे कर देना है। तो हमने सिलेक्ट कर रखा है इसलिए वो जाएगा नहीं बाहर। तो जब आपका ये हो जाएगा, आपको फिर से पॉलीगॉन सिलेक्शन पे चले जाना है, उसके बाद इस वाले आइकन पे, उसके बाद डी सिलेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पकौड़ी आ गई है। तो अभी ये हो चुका है, और फिर अभी हम ये आपको ऐसे ही पूरा करना है पूरे में, तो जब तक आपका ये भर नहीं जाता है आपके परस्पेक्टिव। तो अभी मैं करके आती हूँ। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका सिलेक्शन ऐसे इतने इतने से हिस्से में करना है, तो आपको क्या करना होगा, पॉइंटर ऑन करके आपको इसको दबा के रखना होगा, फिर आप जितना दूर जाए उतना दूर आप कर सकते हैं। ऐसे जब आप अंदर, और ऐसे जब आपको अंदर भी लेके आना होगा ऐसे इसके अंदर, तब भी आप ऐसे कर सकते हो, और वो ऑटो हो जाए। तो ऐसे करना है, तभी मैं इसको कंप्लीट कर ले। तो जब आपका ये हो जाएगा, आपको फिर से जूम इन का, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे ऊपर वाला हिस्सा लेना है। तो अभी हम इतना ले लेते हैं हिस्सा, तो हमारे को पूरा हिस्सा नहीं लेना है, आधे से कम ही लेना है हमारे को। अभी हम इसको पूरा ले लेते हैं। ये क्या करूँ, हो गया। आप फिर से इस वाले आइकन कॉपी पेस्ट, तो अभी हमारे को क्या करना होगा, तो अभी हम इसको भी कर देते हैं। तो अभी हम इसको भी कर लेते हैं, और फिर एक मामा जी को भी चुप करा लेंगे। ओ चाची, यार माइक ही बंद करो यार, माइक ही बंद कर दो। तो अभी हम इसको भी पूरा कर लेते हैं, और मैंने कर लिया है कमरा चेंज भाई, वो नहीं करने दे रही रिकॉर्डिंग। ये तो यहाँ पे एको भी हो सकती है आवाज, क्योंकि अभी मैं
अपने कमरे में नहीं, और यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, साउंड प्रूफिंग लगी है, एको नहीं होती उससे। तो अभी हम इसको कर लेते हैं पूरा यहाँ तक, ये हो गया। फिर एन फिल एंड स्ट्रोक डन। और अब आप देख सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं यह अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम थोड़ी सिलेक्ट कर देते हैं, आप देख सकते हैं कि अभी ये थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसमें एक और डालेंगे। अब हम इधर जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका भी ये ग्लिच हो जाता है, अगर आप वो बटन नहीं दबा के रखते हैं। हाँ, एक बात बता देता हूँ आपको, ये सर्कल लाने के लिए आपको ये अपना प्लस जहाँ पे आपको स्टार्ट करना है वहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद ये जब आप उसके पास लेके जाएंगे और जब आप इस एरो को दबा के रखेंगे तभी आपका वो दिखेगा और आपको वहाँ पे उस पर क्लिक कर देंगे। तभी ये सिलेक्शन तो बेकार ही हो गया, ये सिलेक्शन बिल्कुल बेकार है। तो अभी इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, ये शायद से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन थी। फिर इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर से इधर जाएंगे कॉपी पेस्ट, और फिर से हम इसको उठा के तो आपका बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। फिर आपको इन सब लेयर्स पे जाके, जो ऊपर वाली हैं, तो आपको इन सब पे जाके एफएक्स, उसके बाद ड्रॉप शैडो करना है जिससे कि इन पे शैडो आ जाए। और फिर जब आपका ये हो जाएगा फिर आपको आना है शूट पे। तो मैंने हाइड कर दिया तो पॉइंटर के की फालतू में खेला जाता है। हमारे को क्या करना, इस बार हमारे को करना पड़ेगा इसको बड़ा। तो हम इसको करेंगे 5%, हम इसको बड़ा करेंगे। इसकी रोटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही ये सही है। और अब इसको हमारे को सेट करना है सही पोजीशन में, जूते की पोजीशन में। तो ये PXP है, पिक्सल्स पिक्सल में चलते हैं। फिर जब ये हो जाए फिर राइट, और अब हमारे को ये भरना है। मेरे को पता है ये सही से हुआ नहीं है, पर अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ। आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दूँगा कि ये कैसा आप बना सकते हैं इसको। तो आप उससे भी अच्छा बना सकते हैं, पर है ना वो। तो इसकी ब्राइटनेस लो करते हैं, ठीक है ये हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 3D हो गया है। आप ऐसा कर सकते हैं ना, फिर जब आपका ये हो जाएगा एक्चुअल तब आपको डन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव, और इसको सेव होने देना। और फिर जब सेव हो जाएगा तब आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव टू गैलरी, उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है PNG, उसके बाद आपको ये वाली लेनी है, और उसके बाद ओके, और फिर आपका ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। जब आपका ये हो जाएगा आपको फिर से इधर क्लिक करना है, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और फिर से आपको वही साइज लेना है 1280, और यहाँ पे भी 1280। अभी हम 1 2, तो हाँ अभी हमारा स्क्वायर आ गया है फिर से। तो अब हमारे को डालना है अपना वही जो हमने बनाया था, अभी हमने जिसकी एक्सट्रूजन की थी, तो अभी हम उसको डाल लेते हैं। तो हमारे को जाना है PSCC 2019। तो अभी हम चलते हैं। ये आगे PSCC 2019, उसके बाद अब हम इसको ले लेते हैं। उसके बाद अब ये पूरा आ गया फिट। तो अब हम इसको राइट कर देंगे। अब हमारे को प्लस पे क्लिक करना है, उसको फोटो ले, फोटो लाइब्रेरी। और अब हमारे को चाहिए एक बैकग्राउंड वर्ल्ड। तो अभी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो अब अपना खुद के वर्ल्ड की
लगा सकते हैं फोटो स्क्रीनशॉट बटन बुटन सब हाइड कर। ये गए डाउनलोड्स हैं पर कमाल हो गया, मैंने कल स्टोरेज खाली किया था इसलिए मेरा उड़ गया, इसलिए अब मैं ये वाला लगाऊंगा तो कोई बात नहीं। तो जब आप अपना ये बैकग्राउंड ले लेंगे आपको ये पूरा बड़ा करना है, तो अभी इसको बड़ा कर लिया और अब इसको सेट कर देंगे, उसके बाद राइट, फिर आप देख सकते हैं कि आपका वो हो गया हट गया, तो आपको इसको बैकग्राउंड को ऐसे नीचे कर देना और अब आपका ये आ गया। अब हमारे को इस पे जाना है अपने इस वाली लेयर पे, उसके बाद जाना है इधर, उसके बाद सिलेक्ट पिक्सल्स और सिलेक्ट वही हम बैकग्राउंड पे फिर से इस फिर से डिसलेक्ट कोई मेरे को बता दो, और उसके बाद सिलेक्ट पिक्सल हो गए। अब हमारे यार ने एंड पे जाना है फिल एंड स्ट्रोक, और इस बार इसको करना है स्ट्रोक, नहीं ऐसे नहीं करने का, तो फिर से हमारे को इसके सिलेक्ट पिक्सल करने हैं। ये पहले एक एम्प्टी लेयर बनानी है, उसके बाद हमारे को अपनी इस वाली लेयर पे जाना है, ये जो अपनी रेंडर वाली थी, उसके बाद इधर पे क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट पिक्सल। भाई हो क्यों मेरा कोई मेरे को बता सकता है, सिलेक्ट पिक्सल हाँ मैं भूल गया, उसके बाद सिलेक्ट पिक्सल। भाई नहीं मारो मुझे, मारो ये क्या हो रहा है यार। तो जब आपके सिलेक्ट पिक्सल हो जाएगा तब आपको फिर से लेयर्स वाले आइकन पे जाना है, उसके बाद जो हमारी एम्प्टी लेयर जो हमने डाली थी उस पे जाना है, उसके बाद हमारे को एंड पे क्लिक करना है, उसके बाद फिल एंड स्ट्रोक, और फिर हमारे को जाना है इसको करना है स्ट्रोक, और हमारे को इसका जो कलर चाहिए आप वो कर सकते हैं। तो मैं इस पर रखूँगा येल्लो येल्लो इश, मैं इसको येल्लो येल्लो रख लेते हैं, और इसके बाद इसकी सैचुरेशन थोड़ी कम कर देते सैचुरेट कर देते हैं और ब्राइटनेस कम कर देते हैं, तो ये सही है। उसके नहीं इसको रेड कर देते हैं, ऐसे सही है। अब हम इसको राइट अब हम यहाँ पर जाएंगे, स्ट्रोक विद को हल्का सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद राइट, उसके बाद हमारे को स्ट्रोक वाली आना है, और उसके बाद हमारे को एफेक्ट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद जाना है स्टाइल, उसके बाद ग्लास पे जाके आपको ये बढ़ाना है अमाउंट स्केल। अभी ये काम नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा है जैसे कि, तो अब हमारे को ये डिसलेक्ट करना है, उसके बाद हम इस पे आने हैं, हमारे को अपनी इस वाली लेयर पे फिर से, उसके बाद एफएक्स, उसके बाद ग्लास। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्लास शटर हो रहा है, साइड से पावर्स निकल रही हैं, तो इसका जब आप स्केल छोटा करेंगे तो अब ये सही लग रहा है मेरे को। अब हमारे को फिर से इस वाली लेयर पे आना है, और उसके बाद फिर एफएक्स, उसके बाद बेसिक, उसके बाद उसको क्या करते हैं ग्लो, और फिर हमारे को एक ग्लो करना है, और इंटेंसिटी आप फुल रखना, और ब्लर आप बढ़ा देना, ब्लर ज़्यादा होना चाहिए, ब्लर आप फुल कर दो, ब्लर आपको फुल से हल्का सा कम रखना है, उसके बाद इंटेंसिटी फुल, और उसके बाद राइट, और फिर हमारे को जाना है अपनी बैकग्राउंड, और उसके बाद एफएक्स, उसके बाद टिंट में आपको जो भी आपको कलर चाहिए आप वो दे सकते हैं, तो अभी मैं दूंगा रेड क्योंकि रेडी होने थी, उसके बाद राइट, उसके बाद हमारे को इस पे जाना है, और फिर यहाँ पे जाना है लेयर, उसके बाद ब्लेंड मोड इसको करना है, और इसको क्या करना था स्क्रीन, तो नहीं हमारे को ब्लेंड मोड करना नहीं, तो आपका ऐसा हो जाएगा, मेरे को पता है कि मैंने ज़्यादा ही वो कर दिया है। पर आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी ब्राइटनेस लो कर सकते हैं इसको टिंट को कम करने के लिए, या तो आप क्या कर सकते हैं आप इस पे जा सकते हैं, और इस और आपका ये हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि अभी ये ज़्यादा अच्छा तो लग रहा है एफएक्स टिंट, अब हम इसको कम करेंगे,
इंटेंसिटिविटी कम करेंगे, इंटेंसिटिविटी फुल ऐसे ही उसके बाद। अब आप देख सकते हैं कि अब आप ये सही हो गए, तो अब फाइनल पार्ट डन, सही हो गया डन। अब हमारे को इस पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी ये वाला सिलेक्ट करना है, इसको पीएनजी करना है, ओके, और फिर ये हो जाएगा आपकी गैलरी। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आज उसी अंदर नेक्स्ट वीडियो तक लाने के लिए गुड बाय।